नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे 2019 के पहले वीडियो में, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये हमारे इस चैनल के ऊपर पहला वीडियो है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस आइडिया नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो है बताने वाला हूँ कि ये जो बिजनेस जो है ये फ्यूचर में और ज्यादा इंक्रीज होगा। किस तरह से होगा वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है रिवील करने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को जो है एंड तक देखना ना भूले, क्योंकि लाखों लोग जो है घर बैठे इस बिजनेस से जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हैं, मैं भी कमाता हूँ। तो डेफिनेटली यार, इस चीज को जानने के लिए डिटेल में आप इस वीडियो को जो है एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडियाज बाय मंजीत सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस आइडिया नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैं बिजनेस आइडिया वही चीज बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी हम जो है इस चैनल के ऊपर करते आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में के लिए जो है आपको कुछ और चीजें भी बताने वाला हूँ कि आप ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए और इसका फ्यूचर जो है वो क्या है, कि फ्यूचर इसमें जो है इंक्रीज कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये बिजनेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं वो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि हमें ये बिजनेस जो है वो क्यों करना चाहिए और इसकी अगर फ्यूचर जो है वो क्या है। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि इसका एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 से हमारे इंडिया के अंदर जब से ये इंटरनेट यानी कि 4G जो है वो आया है, तो इसने हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ड्रास्टिकल चेंजेस लाए हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं सिर्फ मेट्रो सिटीज की नहीं, छोटे टाउन्स की नहीं बात करूंगा, यहां तक कि गांव तक जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आज की डेट में ऑनलाइन, चाहे वो अमेजोन से हो, फ्लिपकार्ट से हो, स्नैपडील से हो, या और कोई बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से जो है प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि 2016 में ये 4G की शुरुआत हुई थी और आज हम 2019 में खड़े हैं, और 2019 के अंदर 95% लोग जो हैं इंडिया के अंदर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने में विश्वास करते हैं। 5% वो लोग हैं जिनके पास या तो इस टेक्नोलॉजी को समझने की जो क्षमता नहीं है, या फिर उनके पास वाकई इतना पैसा नहीं कि वो ऑनलाइन से खरीद पाए। लेकिन 95% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन खरीदते हैं, और ये खरीदारी ही हमें जो है एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इस एफिलिएट की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर कैसे है और क्यों है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जैसे जैसे हम ऑनलाइन जो बाइंग जो है हमारी इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे एफिलिएट मार्केटिंग का भी जो बूस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है। अगर मैं 2017 और 2018 की बात करूं, तो ये जो बिजनेस था 2017 के अंदर, जो एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस जो था वो करीब था 700 करोड़, लेकिन 2018 के एंड तक ये आ चुका है 1500 करोड़ के आसपास। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2019 के एंड तक, डेफिनेटली ये 2500 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, और 2021 आते आते ये बिजनेस जो है आपका पहुंच जाएगा करीब 6000 करोड़। जी हाँ, 6000 करोड़ तक जो है ये बिजनेस का जो एफिलिएट मार्केटिंग का टर्नओवर, इंडिया की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, इंडिया के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहां पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो अगर मैं कहूं कि सोर्स है वो हम लोग खुद है, क्योंकि हमारे इंटरनेट के यूजर जो है डेली बढ़ते जा रहे हैं, और डेफिनेटली हमारी 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, और ये 5G टेक्नोलॉजी जो है हमें इसमें और ज्यादा बूस्ट दिलाएगी, ना कि पीछे ले जाएगी। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जो 2017 के अंदर 700 करोड़ का बिजनेस था, वो 2021 के अंदर जो है करीब 6000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो बूस्ट जो है वो कितना है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये डिसाइड हमें करना है कि वाकई हम जो है इस बिजनेस में एफिलिएट मार्केटिंग के करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पे अभी बात कर लेते हैं कि आपको ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस जो है वो करना कैसे है। सबसे पहले आपको यहां पे जो है जनरल काम नहीं करना है। जनरल काम की बात करूं तो यहां पे हम खुद जानते हैं कि बहुत सारे दुकानें जो खुलती हैं और आज की डेट में बंद भी होती हैं, तो वही गलती अगर हम ऑनलाइन डिजिटल के अंदर भी करेंगे तो हमारा भी वही हाल होना है। हम आज कोई चीज को स्टार्ट करेंगे, कल हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमें फिर करना क्या है, हमें यह करना है कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग में वाकई सक्सेस पाना चाहते हैं
तो हमें जो है जनरल काम नहीं करना है। अब जनरल काम से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग करने आते हैं और जो चीज उनको सामने दिखती है वो उस चीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से कुछ दिन ऐसा होता है कि वो जो है अलग 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 चीजों में चलते रहते हैं, वहां पे जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो है आपका जो ऑडियंस है वो आपसे एक पर्टिकुलर, आज की डेट में अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो आपको सिर्फ एक ही चीज से वो जानना चाहता है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि आपको जो है प्रोडक्ट तो लाखों हैं, लेकिन आपको उनमें से एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। जी हाँ, आपको यहाँ पे एक निश पकड़ने की बात कर रहा हूं। जी हाँ, निश का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक जो कैटेगरी है वही कैटेगरी पकड़नी है और उसी कैटेगरी के अंदर जो है आपको रेगुलर काम करना है, डेली काम करना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप स्पोर्ट शूज के लिए चूज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपकी खुद की वेबसाइट हो, आपके SMS से प्रमोट करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल मार्केटिंग से करें या ब्लॉग से करें। यहां पे बात आती है कि आपको जो है पर्टिकुलर अगर आपने स्पोर्ट्स शूज को सेलेक्ट किया है, स्पोर्ट्स शूज का जो निश जो है अगर सेलेक्ट किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस पे ही काम करना है। उससे होगा क्या कि लोग जो है आपको जानेंगे कि आप जो है वाकई जो उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड जो है वही जो आप चीज वहां पे डालते रहते हो, और हमेशा जब आप वहां पे स्पोर्ट्स की चीजें डालोगे तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा क्राउड जो है वो पर्टिकुलर एक निश की तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं पिछले कुछ हमारा एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं कि मोबाइल के लिए जो है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो पर्टिकुलर मोबाइल के लिए काम करती है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे शेविंग करते हैं तो हम शेविंग के लिए जो है वो शेवर्स के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, हम एक ही कैटेगरी को पकड़ सकते हैं, उसमें क्या नया है क्या पुराना है दो चीजों को हम उसी के अंदर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले हमारे लिए काम होता है, स्टेप वन होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर निश जो है वो सेलेक्ट करना। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो है यहाँ पे रजिस्टर होना है। रजिस्टर की बात करें दोस्तों, Amazon हो तो वहां पे भी आपको बिकम एफिलिएट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप Flipkart के साथ काम करना चाहते हैं तो Flipkart के ऊपर भी जो है आपको रजिस्टर कर सकते हैं आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली दे दूंगा, आप वहां से जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, यही नहीं कि आप इन हर इंडिविजुअल वेबसाइट के साथ काम करें, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क अवेलेबल है जिनके साथ आप जो है काम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एफिलिएट नेटवर्क के साथ में भी आप जो है काम कर सकते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो वी कंपैरिजन है, वो ऑप्टिमाइज है, फिर यहाँ पे क्लू लिंक्स है, तो इस तरह के बहुत सारी और नेटवर्क्स हैं जिनके साथ आप रजिस्टर करके वहां पे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर तीसरे की बात करूं कि यहाँ पे जो आपने निश सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आपने रजिस्टर हो गए, अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, जो हमने निश सेलेक्ट किया है उसको प्रमोट कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, उसको मार्केट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे दिमाग में आता है कि भैया करना कैसे है। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और जो है आगे से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। पहला है ब्लॉग। अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे गूगल का ब्लॉग जो है blog.com पे आप जा सकते हो, वहां पे अपना एक ब्लॉग बना सकते हो, जो भी आपका निश सेलेक्टेड है वहां पे जाके आप पर्टिकुलर सब चीजें डाल सकते हो, और स्लोली ग्रेजुअली डेफिनेटली जब आप एक ही निश के ऊपर काम करेंगे वो सर्च इंजन में भी डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत जल्दी आपको जो है देखने को मिलेगा, और जैसे जब भी आपका ये हो गया तो आपका जो है काम हो गया। अगर मैं दूसरी बात करूं तो अगर दूसरा काम भी है, दूसरी चीज भी है आपके पास प्रमोट करने के लिए, वो है सोशल मीडिया। फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है हमारे पास, और इंस्टाग्राम है, तो यहां पर भी हम जो है फ्री के अंदर अपने बिजनेस को जो है प्रमोट कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जब हम रेगुलर अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली टारगेट ऑडियंस जो है हमारी एक बन जाएगी, सब लोगों को पता चलेगा कि हम जो है किस लिए काम करते हैं, किस चीज के लिए काम करते हैं, तो जिन लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट है वो लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे। और एक गारंटी देता हूं, एक बार जो जुड़ गया आपके साथ वो दोबारा हमेशा बना रहेगा। और अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके जो है आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप SMS से बढ़ा कर सकते हैं, आप जो है व्हाट्सएप के जरिए प्रमोट कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, और आप जो है वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर भी डेफिनेटली जो है यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यहीं पे आके जो है रुक नहीं जाते हैं, एक और लास्ट फंडा बचता है जहां से आप जो है अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर,
वो है आपकी खुद की वेबसाइट। क्योंकि आपकी खुद की वेबसाइट रहेगी तो डेफिनेटली लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जो है आपके प्रोडक्ट वहां पे जब देखेंगे कि वहां पे आप नए नए प्रोडक्ट डालते भी हो, कंपेयर भी करके देते हो, क्योंकि आप तो सब लोगों का सब काम करके दे रहे हो ना। आज एग्जांपल देता हूं, आज अगर मुझे लैपटॉप खरीदना है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि भैया लैपटॉप जो है मुझे क्या चाहिए है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मार्केट के अंदर उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लैपटॉप अवेलेबल है। अब मेरे पास जो है लैपटॉप मैंने देख भी लिया कि ये चार कंपनी के लैपटॉप जो है वो मैं ले सकता हूँ, लेनोवो का ले सकता हूँ, एचपी का ले सकता हूँ, डेल का ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है भैया इनमें जो है अच्छा कौन सा है, लेनोवो का लूं, एचपी का लूं, डेल का लूं। यही जहां आकर जो है इंसान अटक जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना कि भैया कौन सा वाला सही है। अब ये काम आपको करना है, आप जो अपनी वेबसाइट बनाते हो, आप जो अपने ब्लॉग बनाते हो, आपका जो सोशल पेज है, आपका जो व्हाट्सएप पेज है, आप ईमेल भेज रहे हो, वहां पे आप कंपैरेटिव भेजो। कंपैरेटिव से ये होगा कि आप अपना एंड के अंदर कंपैरेटिव बनाने के अंदर आप जो है अपना एक एफिलिएट लिंक डालो कि भैया ये रहा कंपैरिजन, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट नंबर वन पे है, ये प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे है, ये प्रोडक्ट थर्ड नंबर पे है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको जाना किसके साथ में है और साथ ही साथ वहां पे आपको जो है अपना एफिलिएट लिंक डालना है कि भैया खरीदना है ये ले पकड़ बाय का लिंक, ये ले पकड़ बाय का लिंक और ये ले पकड़ बाय का लिंक। जब आप कंपैरिजन करके दोगे तो डेफिनेटली यार लोगों को जो है आप इतना काम करके दे रहे हो तो वहां पे जब आप बाय का लिंक डालोगे तो क्लिक तो डेफिनेटली होने ही वाला है। अगर मैं बोलता हूं कि 10 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, 10000 लोग आएंगे आपके उस लिंक के ऊपर, अगर 10000 में से 2 ने भी बाय कर लिया तो आपका तो काम चल पड़ा ना। तो यहां पे अगर 10000 लोग आपके पास आए और 2 ने भी क्लिक किया तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। और यहां पे जो है मैं बता दूं 65 करोड़ यूजर जो है वर्ल्ड वाइड, नहीं मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, इंटरनेट पे आने वाले हैं 2021 तक हो जाने वाले हैं। तो यार आपका ये बिजनेस क्यों नहीं चलेगा अगर 10000 पे 2 है। अब गिनती लगा लो 65 करोड़ जब आएंगे आपके पास आपके लिंक के ऊपर, मैं बोलता हूं उसका अगर 10% भी आ गए तो आपका बिजनेस जो है कहां का कहां पहुंच जाएगा, ये अंदाजा आप बखूबी जो है खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो है आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या है और वाकई जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपको आइडियाज क्या करना है कैसे करना है वो सारी चीजें जो है आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन मैंने आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको जो है प्रूफ दिखाने वाला हूं। प्रूफ जो है वो ये है कि पिछले कुछ महीने पहले जो है मैंने कुछ 2-4 वीडियो डाले थे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, वहां पे मैंने एक आप लोगों के साथ अकाउंट भी बनाया था। वो जो एफिलिएट अकाउंट था उसके अंदर मैंने जो आप लोगों के साथ में जो शेयर किए थे, आज जो है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि यार आपका बिका के नहीं बिका ये आपको पता होगा, लेकिन जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे लिंक जिस हिसाब से मैंने बताया था मैंने भी वही किया और आपको प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखाई थी और उसका लाइव प्रूफ जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये मैं बता दूं ये वो अकाउंट है जो मैंने आपके साथ बनाया था, जो मेरा खुद का एफिलिएट अकाउंट है वो अलग है। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि यहां पर जो है आपके साथ मैंने शेयर किए हुए लिंक जो है उनके ऊपर करीब 10000 से ज्यादा जो है क्लिक हो रखे और यहां पे जो है कुछ प्रोडक्ट हमारे बिके भी हैं और उसका आपको यहां पे दिख भी रहा है कि आपको इनकम जो है दिख रही है, इनकम भी हमने जो है वहां से जनरेट करी है। दोस्तों यहां पे हमने कोई रेगुलर काम नहीं किया, आप लोगों के साथ वीडियो बनाते बनाते मैंने भी कुछ लिंक शेयर किए और वहीं से जो है ये इनकम जनरेट हो गई। सो दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोग जो है मेरे साथ बने रहेंगे इस चैनल के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा यार वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि इसी तरह के और बहुत सारे एफिलिएट रिलेटेड जो वीडियोस है मैं आपको देते रहूंगा और आप भी मेरे साथ ग्रो करें। मैं तो ग्रो कर ही रहा हूं, आप भी मेरे साथ ग्रो करें। डेफिनेटली जब आप लोगों को इस चीज से फायदा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने बताया, जो मैंने आपको करने बोला वो आपने किया और आपको जो है सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, ईमेल आईडी भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें और क्या करना है,
बेल का आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।